हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमेशा अच्छे रहें, हमेशा हंसते खेलते रहें, कामयाबी आपके कदम चूमें, आपको ऐसी अपनी ज़िंदगी में सफलता मिलती रहे और आप ऐसे हमेशा खुश रहें और मज़े करते रहें और हम पे ऐसे अपने प्यार बरसाते रहें। सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और आपको ऐसी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें की वीडियो मिलती रहे, आपको पता लगे कि क्या खाने के लिए सही है क्या नहीं है, किसका टेस्ट अच्छा किसका नहीं है। दोस्तों, गर्मियों का समय आ चुका है और हम लोग काफ़ी सारी आइसक्रीम्स पीते हैं, शेक्स पीते हैं, तो हम अपने अपने चैनल को सब बताते रहेंगे कि क्या चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो अब आज की वीडियो में आपके लिए लाए हैं क्वालिटी वॉल्स की यूनिकॉर्नेटो। देख सकते हैं आप लोग कैसी है, कुछ इस प्रकार की पैकिंग मिलती है। पूरी आइसक्रीम पेपर से रैप है, पूरी पेपर की पैकिंग है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे क्या कुछ मिलता है हमें। इस पर फ्रंट पे देखेंगे तो ये ब्लू सी पैकिंग में आती है, पर्पल सी, काफ़ी अलग सी पैकिंग है। देख सकते हैं काफ़ी सारे ग्राफिक्स यूज़ किए हैं इसमें। सामने देखेंगे तो यूनिकॉर्नेटो की ब्रांडिंग मिलती है, इधर क्वालिटी वॉल्स की ब्रांडिंग मिलती है। थोड़ा इधर देखेंगे तो शूटिंग में फॉर वेजिटेरियन का लोगो मिल जाता है हमें। इधर 74 ग्राम्स और 120 ml इसका नेट वेट मिल जाता है। इधर भी लिखा हुआ है दोबारा से, वही चीज़ देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हमें इसके एडिशनल न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें इसकी, आप पॉज करके आराम से पढ़िएगा इसे। और थोड़ा इधर देखें तो हमें इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं। नीचे देखेंगे तो हमें वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल प्रोटीन प्रोडक्ट का लिखा हुआ मिलता है। हमें यहाँ पे अपनी क्यूरी वगैरह सही कर जानने के लिए नंबर और एक ईमेल आईडी दी हुई है। बस इतना ही कुछ मिलता है, बेसिक सी पैकिंग है। ऊपर देखेंगे तो हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और MRP मिलती है। बगैर देर किए आपको खोल के दिखाता हूँ, उसका टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और मज़े लें। तो देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। ये मैंने इसे पूरा खोलना स्टार्ट कर दिया है, पूरी पेपर की रैपिंग है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम अपने पैसों से खरीदते हैं सब कुछ। ये मैंने इसे कर दिया अनरैप, थोड़ी मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी डीली डीली सी लग रही है। ये हो गई अनरैप। इसका नाम यूनिकॉर्नेटो है। देखो दोस्तों, टूटी हुई निकली यहाँ से, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं आराम से। देखो अंदर तक भी ऐसा है, हमें आसानी हो गई। देखो बीच में से ऐसी निकली है। तो मैं कूड़ा हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ मिलता है। तो ये मैंने इसे प्लेट में रख लिया है, ऐसा कुछ मिलता है। ये ऊपर डिस्क लगी हुई, मैं डिस्क निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसी है। ये देखिए दोस्तों, ऐसी कोई डिस्क मिलती है हमें, ठीक है। मैं इसको, इसके अंदर ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये थोड़ा हार्ड है। वैसे खा के टेस्ट करके बताता हूँ कैसे लगा मुझे। अच्छा, ये जो कुछ भी है क्रंची है थोड़ा, देख सकते हैं इसकी जो क्रंच है उसका बाहर का कोर है जो, वो पर्पल कलर में है और अंदर से दो कलर की है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी दो कलर की है, पूरी लास्ट से दो कलर की है। थोड़ा सा आपको ऊपर से खा कर बताता हूँ इसकी क्रीम कैसी है। डिस्क तो बढ़िया है, बहुत अच्छी है डिस्क, ऊपर की क्रीम भी काफ़ी अच्छी है, उसमें रेजेंस भी है, किशमिश भी है इसके अंदर। तो खा के जरूर देखिएगा, अच्छी आइसक्रीम है। मेरी वाली थोड़ी मेल्ट हो चुकी है तो कुछ पता नहीं लग रहा है इतना, और थोड़ा जुकाम भी है मुझे, फिर भी खा रहा हूँ। तो मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। नीचे देखो चॉकलेट वाली फीलिंग है, जैसा मेरा अंदाजा था। देखो आप लोग, इसे भी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी लगी। लास्ट में चॉकलेट इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसे कह सकते हैं हम, काफ़ी ठोक ठोक के नहीं बराबर से, ठीक ठीक चॉकलेट, ज़्यादा चॉकलेट नहीं है लास्ट में। जो उसकी बाहर की कवरिंग है वो काफ़ी क्रंची है, जैसे तो काफ़ी हार्ड भी है चॉकलेट उसके अंदर लास्ट तक नीचे तक।
दोस्तों 60 रुपीज के अंदर काफी अच्छा कौन है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका और ओरियो का कंपैरिजन करें तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसे कौन अच्छा है। मैं आपको एक बार जरूर कहूँगा कि आप इसे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर पहले खाई हुई तो वो भी बताएं कि कैसी लगी आपको। तो दोस्तों ऐसी कुछ आइसक्रीम है, काफ़ी अच्छी है, पैसे जस्टिफाइड है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। और अपने दोस्तों से भी शेयर की ताकि उनको भी पता लगे कि खाने की चीज़ें में कैसा सही है कैसा नहीं है, कभी क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ टेस्टी क्या चीज़ नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक देना ना भूलें, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने की। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अगली वीडियो का इंतजार करें, जल्दी लेके आएंगे हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और आपको किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय दोस्तों।